नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 17 जून 2018। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल सुपर डैड्स कैंपेन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनिसेफ के द्वारा सुपर डैड्स कैंपेन को लॉन्च किया गया है। देखो, सोसाइटी में एक धारणा है कि फादर्स अपने काम में बिजी रहते हैं और जो मदर्स हैं वो बच्चों की डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो इसी प्रकार के बैरियर को तोड़ने के लिए ये कैंपेन है, सुपर डैड्स कैंपेन, ताकि फादर्स भी यानी पिता भी बच्चों के इनिशियल डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले करें। देखो, शुरुआती विकास में बच्चों को आवश्यकता होती है लव की, यानी प्यार की, प्रोटेक्शन की, प्ले की, अच्छे न्यूट्रिशन की। तो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने में फादर्स एक अहम रोल निभा सकते हैं, ताकि बच्चों की जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा आसानी से हो। तो इसी संदर्भ में ये कैंपेन लॉन्च किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, सुपर डैड्स कैंपेन। वैसे इस कैंपेन का कंटेक्स्ट अभी ये भी है, क्योंकि हर साल 17 जून का जो दिन है वो फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे से पहले ये कैंपेन चलाया गया यूनिसेफ के द्वारा, सुपर डैड्स कैंपेन। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे के बारे में है, यानी एल्मा। ये एक प्रकार का टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिकों को काफ़ी पुख्ता सबूत मिले हैं, यानी कॉन्क्रीट एविडेंस मिले हैं 3 यंग प्लैनेट्स के बारे में, जो कि अभी फिलहाल चक्कर काट रहे हैं एक स्टार के चारों ओर। स्टार का नाम है HD163296। और देखो, ये 3 यंग प्लैनेट्स जो कि जिनके बारे में वैज्ञानिकों को पता लगा है, ये पूरी तरह से अभी प्लैनेट नहीं बने हैं, ये प्रोटो प्लैनेट्स हैं। मतलब प्लैनेट्स बनने की ओर अग्रसर हैं, अभी पूरी तरह से प्लैनेट नहीं बने हैं। अर्थ से इनका जो डिस्टेंस है वो है 330 लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर कितना होता है? लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होता है 1 लाइट ईयर। आप एक बार स्क्रीन पे पिक्चर देख लीजिए एल्मा टेलीस्कोप की। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इस टेलीस्कोप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फुल फॉर्म हमने जाना एटाकामा लार्ज मिलीमीटर या फिर सब मिलीमीटर एरे। ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है कई सारी स्पेस एजेंसीज की, जैसे कि यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी, US नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंस, इसके बाद NRC कनाडा, NSC और ASIAA ताइवान। यहाँ पर देखिए कासी KASI रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और सबसे लास्ट में कॉपरेशन है रिपब्लिक ऑफ चिली। तो इन सब देशों की स्पेस एजेंसीज की पार्टनरशिप है ये एल्मा टेलीस्कोप। और कहाँ पे है ये जरूर याद रखिएगा, चिली में है, नॉर्दर्न चिली में है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर। वहां पर एक प्लेट्यू है, पठार है, जिसका नाम है छजंतर प्लेट्यू। यहां पर देखिए, और टेलीस्कोप जो हमने पहले देखा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सबजल योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा सबजल योजना स्टार्ट की गई। हम बात करें इस योजना के बारे में, ये एक कम्युनिटी ओन ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। इस योजना का मकसद ये है कि गांव के हर एक हाउस होल्ड में नल की सहायता से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, और ये सप्लाई जो है वो सस्टेन्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साल के 2 महीने पानी पहुँचे गाँव के हर एक हाउस होल्ड में, बाकी 10 महीने पानी नहीं पहुँचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेन्ड पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो कि होगा पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा की सहायता से गांव के हर एक घर में पाइप की सहायता से पीने योग्य पानी पहुंचाया जाएगा। सबजल योजना स्कीम के अंदर प्रोजेक्ट पे जो खर्चा आएगा 90% खर्चा वहन किया जाएगा सरकार के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा, और 10% रिमेनिंग खर्चा वहन किया जाएगा कम्युनिटी के द्वारा। तो कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने में, प्रोजेक्ट को मैनेज करने में। इस वजह से लोकल जो गांव वाले होंगे उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ गांव वालों को एज ए टेक्नीशियन आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो सबजल योजना के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं उनको ऑपरेट कर सकें, उनको मैनेज कर सकें। तो 2 फायदे होंगे। देखो, एक तो रूरल एरियाज में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, चूंकि ट्रेनिंग दी जाएगी सबजल योजना के अंतर्गत गाँव के कुछ लोगों को। दूसरा, पानी भी तो पहुँचेगा गाँव के हर एक घर में, पीने योग्य पानी। तो ये पूरा आर्टिकल था सबजल योजना के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली सरकार के द्वारा एक कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था रिफॉर्म्स के लिए, ताकि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम में जो जरूरी रिफॉर्म्स हैं उनको लाया जा सके और इस स्कीम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2009 में।
2009 में रूरल एरियाज में पीने योग्य पानी प्रोवाइड करने के लिए तीन स्कीम्स चल रही थी मेनली, एक्सेलेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, सबजल धारा और तीसरे नंबर पे नेशनल रूरल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस। तो इन तीनों स्कीम्स को मर्ज करके एक प्रोग्राम चलाया गया सरकार के द्वारा, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। इसे 2009 में चलाया गया था। भारत निर्माण एक बड़ा प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया था और उस प्रोग्राम के अंदर मेनली 6 पिलर्स थे और एक पिलर था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 50% जो खर्च आता है वो वहन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और बाकी 50% बियर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मकसद क्या है? मकसद वही है, इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी सस्टेनेबल बेसिस पे वाटर अवेलेबल होना चाहिए खास करके ग्रामीण इलाकों में। जो वाटर अवेलेबल होगा उसकी पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी आसानी से कैरी आउट किया जा सके, एडिक्वेट अमाउंट में वाटर अवेलेबल होना चाहिए, कन्वीनियंस यानी सुविधाजनक होना चाहिए, अफोर्ड किया जा सके गरीब लोगों के द्वारा भी। और इक्विटी का भी यही मतलब है कि ना सिर्फ अमीर लोग बल्कि गरीब लोगों को भी वो वाटर अवेलेबल होना चाहिए, यानी समान रूप से सभी सेक्शंस को पानी उपलब्ध होना चाहिए सस्टेनेबल बेसिस पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स के बारे में है। एक्चुअली ये एक बुक का नाम है जिसे पब्लिश किया गया है नबार्ड के द्वारा। नबार्ड ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया था ICRIER के साथ मिलके। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक थिंक टैंक है। तो इस थिंक टैंक के साथ मिलके नबार्ड ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया था और इसी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बुक रिलीज की गई है नबार्ड के द्वारा। तो देखो, इस रिसर्च बुक में 10 जो मेजर क्रॉप्स हैं हमारे देश में, उन क्रॉप्स के लिए कितना पानी अवेलेबल है कहाँ पर, तो वाटर अवेलेबिलिटी की मैपिंग की गई है इस रिपोर्ट में। कौन सी 10 मेजर क्रॉप्स हैं? राइस, वीट, मेज, रेड ग्राम या फिर तुर, चिकपी या फिर चना, सुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, पोटैटो। तो ये 10 मेजर क्रॉप्स हैं। देखो, हमारे इंडिया में 60% एरिया जहाँ पर खेती होती है, इन 10 मेजर क्रॉप्स की ही खेती होती है हमारे देश में ऑलमोस्ट 60% एरिया पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्रॉप्स हैं। इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न को इस प्रकार से रीडिफाइन करने की आवश्यकता है कि कहाँ पे सिंचाई के लिए कितना पानी है उसी हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए हमारे देश में। और इसके अलावा जो कैनल इरिगेशन सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग पे सरकार को और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल रिचार्ज और पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सरकार फोकस करके वाटर को कंजर्व कर सकती है ताकि किसानों के लिए पानी अच्छे से अवेलेबल हो सिंचाई के लिए और पानी का वेस्टेज ना हो। हमारे देश में देखो, वाटर का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होता खेती में। यहाँ पे जैसे डेटा है, पंजाब में 1 m³ पानी का इस्तेमाल करके राइस पैदा होता है 0.22 kg, यानी सिर्फ 220 ग्राम, जबकि आप देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ में इतना ही पानी इस्तेमाल करके राइस पैदा होता है 0.75 kg, यानी 750 ग्राम, और झारखंड में प्रोडक्टिविटी है 0.68 kg, यानी 680 ग्राम। तो सोच के देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है। पंजाब में 1 m³ पानी यूज़ होता है और राइस पैदा होता है सिर्फ 220 ग्राम, जबकि 1 m³ पानी से छत्तीसगढ़ में राइस पैदा होता है 750 ग्राम और झारखंड में 680 ग्राम। तो वाटर का अच्छे से यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी जगहों पर। तो ये पूरा आर्टिकल था वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स के बारे में। बुक है जिसे रिलीज किया गया है नबार्ड के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल पिनाका मिसाइल के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? DRDO ने पिनाका के अपग्रेडेड गाइडेड वर्जन का सफल एक्सपेरिमेंट किया, कहाँ पर? चांदीपुर, उड़ीसा, प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशमेंट में, PXE में। हम बात करें अपग्रेडेड पिनाका मिसाइल वर्जन के बारे में। देखो, पहले जो पिनाका मिसाइल का वर्जन था उसमें अब मेनली 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। पहले जो पिनाका मिसाइल का वर्जन था वो अनगाइडेड था, लेकिन अब ये गाइडेड वर्जन आया है, कंट्रोल किट भी ऐड कर दी गई है। इसके अलावा जो रेंज है वो भी इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर देखिए, पहले जो रेंज थी पिनाका मिसाइल की वो थी 40 किलोमीटर्स, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन में रेंज है 70 किलोमीटर्स और एक्यूरेसी भी बढ़ गई है। पहले एक्यूरेसी आती थी 500 मीटर्स की और अब एक्यूरेसी आती है 50 मीटर्स की। अगला आर्टिकल पिनाका मिसाइल के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? DRDO ने पिनाका मिसाइल के अपग्रेडेड गाइडेड वर्जन का सफल एक्सपेरिमेंट किया, कहाँ पर?
उड़ीसा के चांदीपुर में प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे, यानी PXE में। देखो, पहले जो पिनाका मिसाइल का वर्जन था उसे जाना जाता था पिनाका मार्क 1 के नाम से, अनगाइडेड पिनाका मार्क 1। लेकिन जो नया अपग्रेडेड वर्जन है इसे जाना जाता है पिनाका मार्क 2 के नाम से। तीन चीज़ें मेनली नई ऐड हुई हैं। सबसे पहले नेविगेशन सिस्टम नया ऐड हुआ है, गाइडेंस सिस्टम नया ऐड हुआ है। पहले जो पिनाका मार्क 1 वर्जन था वो अनगाइडेड था, लेकिन जो पिनाका मार्क 2 जो वर्जन है वो गाइडेड है। कंट्रोल किट भी ऐड की गई है जिसे डेवलप किया गया था रिसर्च सेंटर इमरेट में, यानी RCI में। और देखो इससे क्या हुआ है, एक तो जो रेंज है पिनाका मिसाइल की वो इंक्रीज हो गई है। पहले पिनाका मार्क 1 की रेंज थी 40 किलोमीटर से और अब रेंज है 70 किलोमीटर से। एक्यूरेसी पहले थी 500 मीटर से और अब एक्यूरेसी है सिर्फ 50 मीटर से। तो काफ़ी अच्छा है ये पिनाका मार्क 2 जो कि अपग्रेडेड वर्जन है पिनाका मिसाइल का। स्क्रीन पे पिक्चर देखिए, ये है पिनाका मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL। इसे जॉइंटली डेवलप किया गया था स्टार्टिंग में पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में है जो कि, और सबसे लास्ट में RCI। 12 एक्सप्लोसिव वाले रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं पिनाका मिसाइल के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 44 सेकेंड्स में, जो कि टारगेट का 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नष्ट कर सकते हैं एक समय में। और इसके अलावा देखो पिनाका जो मिसाइल है वो कई तरह के वार हेड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, यानी कई तरह के जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो लॉन्च किए जा सकते हैं पिनाका मिसाइल के द्वारा। तो इससे दुश्मन के सॉलिड स्ट्रक्चर्स और बंकर्स को नष्ट किया जा सकता है। चूंकि क्विक रिएक्शन टाइम काफ़ी कम है तो लो अमाउंट कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में यूज किया जा सकता है पिनाका मिसाइल को। और ऑलरेडी आर्मी के द्वारा इंडक्ट कर लिया गया है इस मिसाइल को, और अब DRDO ने पिनाका मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन यानी पिनाका मार्क 2 का भी सफल एक्सपेरिमेंट किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल माउंट दियोतिबा हिमाचल प्रदेश के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल वुमेन नेवल पर्वतारोही टीम ने इस माउंटेन को फतेह किया। कहाँ पर है ये माउंटेन? माउंट दियोतिबा जो है वो 2nd हाईएस्ट पीक है पीर पंजाल रेंज की, हिमाचल प्रदेश में है। स्क्रीन पे आप एक बार पिक्चर देखिए, यहाँ पर है देखो माउंट दियोतिबा, हाइट है ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स। तो अगर UPSC पूछती है कि कौन सी रेंज में है माउंट दियोतिबा, पीर पंजाल रेंज में है और 2nd हाईएस्ट पीक है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? USA सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, अब USA सरकार 6 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडिया को बेचेगा। हम बात करें अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में, मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है US आर्मी के द्वारा और कई और बहुत सारे देशों के डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। फीचर्स कौन कौन से हैं? देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल वेदर नाइट फाइटिंग, यानी सभी तरह के वेदर्स में इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइट में भी एडवांस वेपन सिस्टम है इन हेलीकॉप्टर्स में, एडवांस लेजर, इंफ्रारेड, ये सब चीज़ें हैं। कमी चांसेस हैं UPSC पूछेगी फीचर्स के बारे में, लेकिन ये जरूर पूछ सकती है कि अपाचे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं कौन से देश से इंडिया ने खरीदे हैं, तो आंसर होगा USA। ऐसे कई बार पूछा जा सकता है, जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन से देश से इंडिया परचेज कर रहा है? रशिया। चलते हैं आगे। ये स्क्रीन पे आप वैसे पिक्चर भी देख सकते हो अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स की। चलते हैं आगे। ज्योग्राफिकल लोकेशंस की सीरीज में नेक्स्ट है दामोदर रिवर। आप पहले रूट देख लीजिए दामोदर रिवर का, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यहाँ पर है देखो दामोदर रिवर, यहाँ पर आपको आसानी से दिख जाएगी दामोदर रिवर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो बराकर जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। अब डिटेल्स की बात करते हैं। दामोदर रिवर देखो ओरिजिनेट होती है छोटा नगर प्लेट्यू से, उसके बाद रिफ्ट वैली में फ्लो करती है दामोदर रिवर। और ये रिफ्ट वैली जिसमें दामोदर रिवर फ्लो करती है, बहती है, इसमें बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, इसीलिए लार्ज स्केल माइनिंग होती है और बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं। वैसे दामोदर रिवर झारखंड से होकर गुजरती है और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। दामोदर रिवर को दामुदा नाम से भी जाना जाता है। दामू का अर्थ है होली यानी पवित्र, और दा का अर्थ है वाटर यानी पवित्र पानी। काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज हैं दामोदर रिवर की। बराकार जो मैंने आपको मैप में दिखाई, उसके बाद
कुनार बोकारो हहारू। बराकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। बराकर जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये देखो यहाँ पर, ये है तिलैया, कोनार और तेनुघाट। दामोदर रिवर की रिफ्ट वैली में बहुत सारे डैम बनाए गए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए। और देखो, दामोदर रिवर की रिफ्ट वैली को रूहर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो वैली है रूहर वैली, ये जर्मनी में है, और इस वैली में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये वैली जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूर वैली। उसी प्रकार से दामोदर रिवर की रिफ्ट वैली में भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। पहला जो डैम बनाया गया था वो दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी बराकर रिवर के ऊपर बनाया गया था। पहले तो देखो, बहुत सारी बाढ़ आती थी दामोदर रिवर के कारण, इस वजह से दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब तो बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं, इस वजह से जो पानी है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। दामोदर रिवर हुगली रिवर से मिलती है कोलकाता से 48 किलोमीटर से दूर, और टोटल लेंथ है दामोदर रिवर की 541 किलोमीटर्स। आप एक क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, इनमें से कौन सी रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? पहला ऑप्शन है सुबर्णरेखा, दूसरा ऑप्शन दामोदर, तीसरा महानदी। तीनों रिवर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप बताइए इनमें से कौन सी जो नदी है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। सोच लिया, इसका आंसर होगा डी, यानी तीनों की तीनों जो ये रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सुपर डैड्स कैंपेन के बारे में, उसके बाद हमने एल्मा टेलीस्कोप के बारे में जाना, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे, सबजल योजना के बारे में डिस्कस किया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के बारे में हमने चर्चा की, वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स बुक रिलीज की गई है नाबार्ड के द्वारा, डिस्कस किया, उसके बाद पिनाका मिसाइल के बारे में हमने जाना, माउंट दियोटिबा हिमाचल प्रदेश में है हमने डिस्कस किया, अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और ज्योग्राफिकल लोकेशंस की सीरीज में सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया दामोदर रिवर के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।